हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू सिंगाड़िया। मेरे यूट्यूब चैनल मीनू सिंगाड़िया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली की वेस्ट ज्वेलरी मार्केट में। आज हम मोमोज खाने आए हैं, मोमोज ट्राई करने आए हैं। तो आज मैं मार्केट आई हूँ, ज्वेलरी मार्केट, और यहाँ पर हम मोमोज ट्राई करेंगे। ये मोमोज लवर के लिए वीडियो है, सो आप ज़रूर देखना, और जो भी मोमोज लवर है आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर उनको ज़रूर शेयर करें। सो आइए आपको मोमोज दिखाते हुए बनते हुए दिखाते हैं। सो हेलो भैया, क्या नाम है? नवीन मेरा। नवीन, ये नवीन है। और कौन कौन से मोमोज आपके यहाँ पे बेस्ट आपके मोमोज कौन कौन से हैं? बेस्ट तो कुरकुरे है अभी। कुरकुरे और ग्रेवी। ग्रेवी मोमोज तो कुरकुरे मोमोज अभी नहीं है, अभी चालू नहीं, मतलब बंद। तो गाइस हम लेट हो गए हैं, कुरकुरे मोमोज ख़त्म हो चुके हैं, अभी इनके पास ग्रेवी मोमोज है, तो हम ग्रेवी मोमोज ट्राई करेंगे। तो आप मुझे ग्रेवी मोमोज लगा दो आप, ठीक है? तो ये हमारे ग्रेवी मोमोज बनने जा रहे हैं। तो ये पहले फ्राई होंगे, तो ये फ्राई हो रहे हैं हमारे ग्रेवी मोमोज। ओह माय गॉड। सो ये वेस्ट दिल्ली की जानी मानी मार्केट ज्वालाहेरी मार्केट है। आज वेडनेसडे की वजह से दुकानें आधी बंद है, तो खाने पीने का ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे, छोटी मोटी दुकानें चल रही है। बाकी हम आपको मोमोज खाते हैं, फिर टेस्टिंग करके बताएंगे मोमोज कैसे। ये हमारी क्या ग्रेवी रेडी हो रही है, तो ये क्या है, क्रीम है? ये क्रीम डली है ग्रेवी ग्रेवी के लिए। और ये ओरिगेनो, ये ओरिगेनो डल चुका है। ये चाट मसाला, ये हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है। ज़ूम कर, ये लीजिए सर। सो भैया टाइमिंग क्या है आपकी दुकान का? हमारा 4 से 10 तक। तो गाइस टाइमिंग इनका शाम को इवनिंग में 4 से 10 बजे तक है, बाकी थोड़ा शाम को 4 से थोड़ा लेट हो सकता है, बट आ जाते हैं 4 बजे तक। और थोड़ा लॉकडाउन का भी थोड़ा वो है, तो थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। सो आपको बट भैया मिल जाएंगे। और भैया ऑनलाइन भी है आपका कुछ? ऑनलाइन में अभी नहीं है। ऑनलाइन में नहीं है गाइज, ऑनलाइन में कुछ नहीं है। आप यहाँ आइए और आके यहाँ पे टेस्टिंग कीजिए। यहाँ पे ये आइए, देखिए ये हमारे फ्राई हो रहे हैं हमारे मोमोज। ये हमारे मोमोज लवर के लिए, ये हमारे ग्रेवी मोमोज। सो ये हमारे, ये वेज है ना? सो प्राइसिंग क्या रहेगा भैया इनका? प्राइस रहेगा 50 और 80। तो हाफ 50 है, हाफ और 50 है, फुल 80 है। तो गाइस हाफ 50 है ग्रेवी मोमोज का, फुल 80 है, हमने हाफ लगवाया है। तो हम हाफ ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें और इनके स्टीम मोमोज भी ट्राई करने हैं, हम इसलिए हाफ हाफ दोनों प्लेट लगवाई है। तो हमारे ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। ये हो गए फ्राई गाइस, ये हमारे फ्राई हो चुके हैं और ये जा रहे हैं ग्रेवी में, ये मैरिनेट हो रहे हैं। लुक एट दैट, ये क्रीमी क्रीमी बन गया है हमारा मोमोज पूरा। ये होने जा रही है इनकी प्लेटिंग। ये ऊपर से क्या है, ओरिगेनो? ये ओरिगेनो डल चुका है और ये हमारे हो चुके हैं रेडी। यार टेबल बन चुका है। ये है हमारे ग्रेवी मोमोज, ये आप देख सकते हैं ये क्रीम से भरा हुआ है। और ये देखो यार, इसकी फिलिंग दिखाती हूँ मैं आपको, ये क्या है वेज में, ये गोभी है, सारी गोभी भरी हुई है, ठीक है। सो टेस्टिंग करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अरे यार तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, क्रिस्पी क्रिस्पी क्रिस्प में क्रीमी, क्रिस्प में क्रीमी हो गया।
ये तो पूरा ही उठाना पड़ेगा यार। चलो टेस्टी है, अच्छे हैं यार। क्रीम का टेस्ट आ रहा है, क्रीम का ऑरिगन का फ्लेवर आ रहा है, ऑरिगन का टेस्ट बढ़ रहा है। बाकी कैबेज है जो वेज का वो दिखा रही है। ये हमारी कैबेज के साथ क्रीम मटर, और वो वहाँ पे वेज की जगह मिलते हैं आलू। और अब ये हम करते हैं स्टीम, ये पनीर मोमोज। सो आपकी इसको दिखाते हैं फीलिंग पनीर की। सो गाइस ये देखो, ये पनीर की फीलिंग है, पर गिर गई। इसमें पनीर कम प्याज ज़्यादा है, सो कोई नहीं, टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। ये ग्रीन ग्रीन चटनी, रेड चटनी और ये मायो। बहुत ही सॉफ्ट है, टेस्टी है। अभी इसमें वो सारी पीवीआर खुली है, पीवीआर अब पीवीआर से छोटे से गाइस टेस्टी है। तो दुकान ही नहीं खुली हुई, आ जा आ जा। गाइस आओ भैया से मिलाते हैं, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो भैया कहाँ से हैं आप? हम नेपाल से। आप नेपाल से? नेपाल से कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे 10-15 साल हो गए। 10-15 साल, तो 10-15 साल से आप यहीं पे काम कर रहे हैं? ये मोमोज की मोमोज आप पूरे मतलब 10-15 साल से यहाँ ये ज्वेलरी मार्केट में मोमोज की रेडी लगा रखी है। तो स्टार्टिंग में क्या प्राइस रहता होगा आपका? स्टार्टिंग 20 से स्टार्ट करा था आपने, तो जो मतलब वेज मोमोज ये पनीर ये सभी लगाते थे कि वेज से स्टार्ट करा था? सभी लगाते थे। सभी लगाते थे, तो अभी आप मतलब आपको बहुत मतलब आप तो बहुत मतलब ये तो मुझे लगता है कि जो डोलमा आंटी है उनके साथ आप भी यहीं आने वाले हो ना, जो डोलमा आंटी आई थी मोमोज वाली उन्हीं के आप आसपास गए हो कि आप भी 15 साल से यहाँ दिल्ली में नेपाल से आके मोमोज यहाँ बना रहे हैं। तो आप मीन्स यहाँ अभी दिल्ली में ही रहते हैं? दिल्ली में। तो अब मोमोज वाकई में बहुत टेस्टी हैं आपके, पनीर वाले बहुत सॉफ्ट है आपका, ये नहीं है कि कहीं से मोटा है पतला है, बहुत ही अच्छा है और क्रीम का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो भैया टाइमिंग तो आपने बता दिया, प्राइसिंग आपका नॉर्मल ही है, ऑनलाइन आपका है नहीं। तो बाकी मैं गाइस आपको रिकमेंड करूँगी कि भैया के पास आइए, और लोकेशन और इनका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर आप मोबाइल मतलब आपको कांटेक्ट करें तो लोग आ सकते हैं ना आपके पास। सो गाइस इनको फ़ोन करके आप इनके पास लोकेशन पता करके आ सकते हैं। वैसे मैं आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, और इनका मोबाइल नंबर इनकी डिटेल भी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दी जाएगी। तो बाकी ये मैं आपको नियर बाय बता देती हूँ, ज्वेलरी मेन मार्केट है, सामने ये मॉल है। कौन सा मॉल है ये? कौन सा मॉल है? ये हल्दीराम। हल्दीराम, अच्छा ये हल्दीराम नाम के नाम से मीन्स मेन इसको हल्दीराम के नाम से जाना जाता है ना, है ये हर्ष अर्श रेलिक्स नाम मॉल है, मेन इसको हल्दीराम के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप आइए यहाँ पे, यहाँ पे मैंने मोमोज खाए हैं, बाकी आप बहुत सारे स्ट्रीट फूड लगे हुए हैं, कुछ भी आके ट्राई कर सकते हैं। और सो गाइस ये देखिए, ये सारे ये मेहंदी वाले हैं, यहाँ पे ये मेहंदी कॉर्नर लगा हुआ है, आप आके यहाँ पे मेहंदी लगवा सकते हैं बहुत रीजनेबल प्राइस में, बहुत ही अच्छे प्राइस देंगे। मेरी वीडियो से रिकमेंड करूँगी मैं आपको कि थोड़ा प्राइस कम करें और मेहंदी। सो तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।